इस कहानी के लेखक हैं लावण्य कुमार। रिया नाम की एक युवती जो अंधेरी रात में अपना सूटकेस उठाए अपने पूर्वजों के गांव की ओर इस टूटी फूटी सड़क पर चली जा रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद रिया काफी सालों के बाद अपने गाँव बंधिनी ग्राम आई थी, जिसका एक बड़ा कारण ये भी था उसकी बचपन की दोस्त निवेदिता की शादी। रिया उस सुनसान रास्ते से गुजर ही रही थी कि अचानक उसके कानों में किसी की हल्की सी आवाज पड़ी। रिया एक क्षण के लिए भयभीत हो गई, पर फिर उसने सोचा कि कहीं ये गांव के छिछोरे लड़कों की कोई कारस्तानी तो नहीं, जिनका जिक्र निवेदिता अक्सर फोन पर किया करती थी। उस आवाज को छिछोरे लड़कों का मजाक समझ रिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधी चलती गई। पर अंधेरा इतना गहरा था कि उसे अपने आगे का एक गड्ढा भी दिखाई नहीं दिया और धड़ाम से एक कीचड़ वाले गड्ढे में गिर गई। ये गांव भी ना, सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़कें ज्यादा हैं। रिया अपने कीचड़ से सने हाथ झाड़ ही रही थी कि अचानक एक हाथ ने उसकी पीठ को धीरे से थपथपाया। रिया के होश ठंडे पड़ने लगे। आखिर वो कौन होगा जो इस सुनसान रात में बिना आवाज किए उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने मुड़कर देखा तो पाया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी दोस्त निवेदिता थी। नीवू यार, पागल है क्या? जान निकाल दी तूने मेरी। हर रोज तो तुम आती नहीं हो तो सोचा थोड़ी मस्ती कर ले। वैसे तुझे इतनी देर कैसे लग गई? मत पूछ यार, पहले गाड़ी खराब हुई और फिर ये छिछोरे। खैर छोड़, मैं थक गई हूँ, जल्दी घर लेके चल। निवेदिता ने रिया को हाथ दिया और उसका सूटकेस खींचते हुए उसे अपने घर ले गई। निवेदिता ने घर आते ही सबसे पहले सामान एक कोने में रख दिया और रिया के लिए खाना गर्म करने के लिए रसोई में चली गई। रिया जो बाथरोब पहनकर नहाकर अभी बाहर निकली ही थी कि दीवार पर एक बड़े से ताबीज को देख कुछ दंग सी रही। और निवेदिता जो मेज पर खाना रख ही रही थी कि उसने कौतूहल में पूछ लिया, ये दीवार पर इतना बड़ा ताबीज कैसा है? सुरक्षा कवच है प्रेतनी से सुरक्षा के लिए। और छोड़ ये सब बातें, अब तू आ बैठ, मैंने तेरे लिए आलू पोस्तो और साथ में लूची बनाई है। अगले दिन दोनों सहेलियां गांव से कुछ दूर मुख्य बाजार में शादी की खरीदारी करने निकली। रिया और निवेदिता की पूरी दोपहर और शाम चूड़ियां, पाजेब, जेवर और साड़ियां खरीदने में चली गई। जब शाम को दोनों तांगे में बैठकर घर की ओर जा ही रही थी कि तभी रिया को एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया जिसमें वो बचपन में नहाया और खेला करती थी। नीवू, ये तो अपना तालाब है ना, जहाँ स्कूल के बाद दोनों है। नहीं था, 6 साल पहले उस हादसे के बाद से वो तालाब श्रापित हो चुका है, उधर जाने का सपने में भी नहीं सोचना। तू भी क्या अंधविश्वास की बातें लेकर बैठ गई यार, आ जाए कि एक डुबकी लगाते हैं। और शादी के बाद तू तो पता नहीं यार कब मिलेगी। रिया तो समझती क्यों नहीं है, वो तालाब श्रापित है और ऐसे तालाब में उतरे तो कपड़े भीग जाएंगे। तो मेरी ज्ञान की देवी, किसने कहा है कपड़े पहनकर तालाब में जा? हाँ तो क्या आप बिना कपड़ों के? ना बाबा ना, तुम्हारे शहर में चलता होगा ये सब? रिया बिना कोई जवाब दिए बस जोरों से हंसने लगी और ये बात निवेदिता की समझ से बिल्कुल परे थी कि आखिर उसने ऐसा क्या बोल दिया। कुछ देर बाद दोनों सहेलियां तालाब में उतर एक दूसरे पर पानी उछाल रही थी और मजे में बार बार गोते लगा रही थी। निवेदिता, जिसके लिए प्रेतनी एक चिंता का सबब बनी हुई थी, अब उसकी फिक्र छोड़ अपनी सहेली के साथ इस पल को जी रही थी। दरअसल रिया तालाब में जाना तो कल चाहती थी, पर थकान से चूर होने के कारण उसने खाने के तुरंत बाद ही बिस्तर पकड़ लिया। पर रिया घर से तैयारी करके चली थी, जिसके लिए उसने अपने साथ 2 जोड़ी कपड़े एक्स्ट्रा रख लिए थे और तांगे वाले को कहकर अपना सारा सामान घर छोड़ने को कह दिया था। निवेदिता और रिया तालाब में मजे कर ही रही थी कि अचानक एक झाड़ के हिलने की आवाज से उनका ध्यान भटका। उन्होंने किनारे की ओर देखा तो पाया कि उनका कपड़ों का बैग वहां से गायब हो चुका था। ये देख निवेदिता का हलक सूखने लगा और वो भावुक होते हुए रिया से बोली, रिया मैंने कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अभी कपड़े गायब हुए हैं, हो सकता है थोड़ी देर में हम और मेरी तो अभी शादी भी।
ए तो चुप करना यार, ये बताओ उन गांव के छिछोरे लड़कों की बदमाशी होगी, कल रात से परेशान कर रखा है इन लोगों ने। तू यहीं रुक, मैं अभी इन्हें सीधा करती हूँ और कपड़े भी लाती हूँ। इतना कहकर रिया तालाब से निकली और धीरे धीरे निवेदिता की नजरों से दूर ओझल हो गई। रिया बिना किसी अंदाजे के बेतहाशा बस दौड़े ही जा रही थी। कुछ देर दौड़ने के बाद उसे एक कुटिया दिखाई दी जिसके दरवाजे पर एक सफेद चुन्नी थी। पर गौरतलब बात यह थी कि ये चुन्नी एक फांसी के फंदे की तरह बंधी हुई थी और उस पर खून के छींटे भी थे। इससे पहले कि वो कुछ देख और समझ पाती, उसे तालाब की ओर से निवेदिता के चीखने की आवाजें आईं। बिना कुछ सोचे उसने वो चुन्नी उठाई और सीधा तालाब की ओर दौड़ने लगी। तालाब के करीब पहुंचते ही रिया ने देखा कि निवेदिता पानी के बीचों बीच छटपटा रही है। रिया ने ना आव देखा ना ताव और पानी में कूद उसे किनारे पर ले आई। किनारे पर आते ही निवेदिता बिना पानी की मछली की तरह छटपटाने लगी। रिया को लगा कि शायद ये मिर्गी का दौरा हो, पर कुछ देर छटपटाने के बाद जब उसने बदली बदली आवाज में एक ही चीज दोहराई तो मानो रिया के होश ठंडे पड़ गए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसके जाते ही निवेदिता को ऐसा दौरा कैसे पड़ा और उसके कपड़े चुराने वाला कौन था? उसने किसी तरह अपना होश संभाला और वो सफेद चुन्नी निवेदिता पर लपेट उसे घर ले गई। निवेदिता अपने घर की गर्म छांव और कंबल में थी, पर उसकी आंखों की पुतलियां अब भी स्थिर नहीं थी और शरीर के दौरे के चलते वो अभी भी कांप रही थी। रिया उसके हाथ पैर मसल रही थी, पर निवेदिता की हालत में कोई सुधार नहीं था। रिया अभी भी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि अचानक निवेदिता के दादा, जिन्हें गांव वाले दास बाबू के नाम से संबोधित करते थे, रिया को गुस्से में तमतमाते हुए देखकर बोले, मेरी बच्ची की इस हालत के जिम्मेदार तू है। सिर्फ तेरी वजह से वो प्रेतनी मेरी बच्ची के जिस्म और रूह से जुड़ चुकी है और अब उसे अलग करना। दास दादू आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं समझ पा रही। कौन है ये प्रेतनी जिसे निवेदिता और गांव वाले ऐसे डर बैठे हैं? करीब 6 साल पहले बरखा का ब्याह शोभित से हुआ था। बरखा एक मांगलिक लड़की थी, तो विवाह होते होते उसकी उम्र 32 साल हो चुकी थी। बरखा के पिता ने अपनी इकलौती बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी, उसे सोने चांदी से लाद दिया था। मगर शोभित एक अय्याश जुआरी और व्यभिचारी किस्म का इंसान था। शादी के 2 साल बाद तक भी उसने बरखा को छुआ नहीं था। बरखा अपने पति को रिझाने और मनाने की हर कोशिश करती रही, मगर उस बैल बुद्धि का दिल कभी नहीं पसीजा। तो बरखा ने अपने पति को छोड़ दिया ना? एक औरत अपने पति की बदसलूकी सहन कर सकती है, पर बेवफाई नहीं। एक शाम जब बरखा बाजार से मच्छी लेकर आई तो अपने बिस्तर पर उसने अपने पति को एक रखेल के साथ देखा। दोनों के जिस्म पर आधे कपड़े और आंखों में वासना भरी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को गुस्से भरी निगाहों से देखा और बरखा के पति ने उसे खरी खोटी सुनाते हुए कहा, अरे देख क्या रही है डायन, जा जाकर अपनी रसोई संभाल और दरवाजा बंद कर। मेरे बिस्तर में इस चिनार के साथ रंगरलिया मनाते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? बीवी हो तुम्हारी और मेरे साथ तुमने ये सुलूक किया? हमारा ब्याह ब्याह नहीं था, सौदा था सौदा। और भला तू क्या जाने मर्द की जरूरत है? तेरी जैसी उम्र दराज नहीं, मर्द को संतुष्टि ऐसी कम सिनकलिया देती है। इतना कहकर बरखा के पति ने उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। बरखा की गृहस्थी उजड़ चुकी थी, उसके पास उस घर में रहने की कोई वजह नहीं बची थी। अगले दिन जब शोभित दारू के नशे में धुत अपने घर आया तो उसने बरखा को अपने ही दुपट्टे से फांसी पर लटका पाया। बरखा के हाथों से खून टपक रहा था, जिससे जाहिर था कि उसने कलाई काटने का भी प्रयास किया था। बरखा की मौत के 2 दिन बाद उसका पति भी उसी तालाब में डूब कर मर गया जहां आज निवेदिता और रिया गए थे। दास दादू कोई तो तरीका होगा निवेदिता को बचाने का, ये सब मेरी गलती है तो इसे सुधारूंगी भी मैं ही। जिस कुटिया से तुम्हें ये चुन्नी मिली थी उसी में बंद है प्रेतनी की देह, अग्नि संस्कार कर उसकी आत्मा को मुक्ति दे दो। जी दास दादू,
निवी की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मगर याद रखना, पिछले 6 सालों में कई लोगों ने बल का प्रयोग कर ये करने की कोशिश की, पर अंततः उन्हें मिली तो केवल मौत। रिया के माथे पर डर की शिकन जरूर थी, लेकिन अपनी सहेली की जान बचाने का हौसला भी। उसने दरवाजे पर लगे बड़े ताले पर बार बार मोटे पत्थर से वार किए और आखिरकार ताला टूट गया और रिया घर के अंदर आ पहुंची। रिया ने घर में अभी कदम रखा ही था कि अचानक उसके पीछे का दरवाजा झटके से बंद हो गया। रिया ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा ऐसे सट चुका था मानो कोई पहलवान भी उसे ना खोल और तोड़ पाए। रिया ने माचिस जलाई और घर में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। एक फुसफुसाहट ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा और वो उस ध्वनि की दिशा में बढ़ी। आगे बढ़ते हुए उसके पैरों में कुछ अटका और उसने नीचे देखा तो वो एक गीला कुर्ता था जो शायद उस प्रेतनी के पति का था जिसकी मृत्यु तालाब में डूबने से हुई थी। एक तरफ ये देख रिया की बेचैनी बढ़ गई थी और दूसरी तरफ उसकी माचिस की रोशनी भी बुझ गई थी। उसने एक दूसरी माचिस जलाई, लेकिन प्रेतनी जो अब रिया के चेहरे के बिल्कुल सामने थी, माचिस को फूंक मारकर एक क्षण में गायब हो गई। प्रेतनी को पहली बार इतना करीब देख रिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो रेंगते हुए पीछे की ओर बढ़ने लगी। रिया उस भूतिया घर में एक क्षण भी नहीं रुकना चाहती थी, पर उसकी आंखों के आगे बार बार उसकी सहेली का चेहरा आ जाता था जो जिंदगी और मौत के बीच एक डोर से लटक रही थी। रिया ने अपने शरीर की सारी शक्ति इकट्ठा की और घर में प्रेतनी का मृत देह ढूंढने लगी। एक बदबू ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने बदबू की दिशा में जाना शुरू किया तो पाया कि ये बदबू एक तहखाने में बंद एक बड़े से संदूक से आ रही है। उसने जैसे ही संदूक को छुआ, एक हवा के जोरदार झटके ने उसे सामने वाली दीवार पर दे पटका और उसके माथे से खून टपकने लगा। प्रेतनी की आत्मा उसके सामने आ हवा में तैरने लगी और उसने उससे पूछा, आखिर तू भी बाकी लोगों की तरह ही निकली ना, किसी को मेरी कहानी नहीं सुननी। बरखा, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, लेकिन मेरी सहेली निवेदिता, उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे प्रेतनी की जगह मेरे नाम से बुलाया है। बरखा, कुछ घंटों पहले तक मुझे तुम्हारे होने पर भी शक था, और अब मैं यहाँ तुम्हारे सामने सिर झुकाकर अपनी सहेली की जान बख्शने की गुहार लगा रही हूँ। आने वाले दिनों में निवेदिता की शादी है और मेरे किए की सजा उसे मिलते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी। रिया की ये बात सुन प्रेतनी का दिल पसीज गया। वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि शादी का जो सुख उसे नसीब नहीं हुआ वो किसी और को भी ना हो। उसने रिया के सर पर हाथ फेरा और फिर गायब हो गई। रिया ने भी ज्यादा देर ना लगाते हुए उस संदूक को खोला और चुन्नी पर माचिस से आग लगा उसे संदूक के अंदर पड़ी लाश पर फेंक दिया। चुन्नी के साथ वो कंकाल भी जलकर भस्म हो गया और आखिर बरखा के साथ साथ बंधनी ग्राम को भी प्रेतनी डायन से मुक्ति दिला दी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।